हेलो दोस्तों, मैं नीरज और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आपके किसी भी गुड्स को किसी प्रकार से लॉस होता है या चोरी हो जाता है या फायर के द्वारा वो जल जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और अगर आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आप कैसे उस इंश्योरेंस की एंट्री करेंगे और लॉस की एंट्री करेंगे और कैसे अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं कंपनी की और उसकी एंट्री, वो भी सही तरीके से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि लेजर्स बनाना होता है, लेजर्स हम बनाए हुए हैं, फिर उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी होती है, वो भी मैं बनाया हुआ ताकि वीडियो छोटा हो सके, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से किया हुआ है। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है मैं बताने के लिए, बेसिकली आप तो अकाउंटिंग बहुत समझ जाओगे, हम जाएंगे डे बुक में जहाँ पर हमने एंट्री की होंगी, वहाँ से हमें डेट चेंज करनी है अपनी। ओके, तो जो सबसे पहला काम होता है कि हमें किसी भी क्रेडिटर से या पार्टी से माल खरीदना है, ओके, जिसका हमें लॉस होगा या डैमेज हो जाएगा वो पूरी तरीके से। तो सबसे पहले आपको डेट डाल लेनी है जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं, जिस दिन, ठीक है, और परचेज वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर मतलब की, और पार्टी का नाम। लेजर्स बना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको संडी क्रेडिटर्स के अंदर रखना है, ये हमारा रेगुलर है, ओके। और यहाँ पर आपको परचेस लेजर बनाना है सिंपली। और यहाँ पर अगर आप अपने आइटम्स को मेंटेन रखते हैं, मतलब कि अपने गुड्स को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर आइटम बना सकते हैं, ना अदरवाइज आप कंटो प्लस वी करके सिंपली इस वाउचर मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर आप मेंटेन करते हैं तो इस वाउचर का यूज करिएगा, ना अदरवाइज आप इनवॉइस मोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने ये जो पूमा फुटबॉल थी ये हमने 400 क्वांटिटी बाय की है मिस्टर सिंडिकेटर से, वो भी 50 रुपये पर, ओके, 20,000 रुपये की पड़ी है जो मैं, और इस पर जो टैक्स लगा हुआ है इनपुट लगा है, क्योंकि इनपुट तभी लगता है जब हम परचेस करते हैं, आउटपुट तब लगता है जब हम सेल्स करते हैं। इनपुट सेंट्रल टैक्स 99%, वो इस तरीके से आपको काट लेना है, और आपको बकायदा नरेशन भी देनी है, अमाउंट भी, और डेट हम किस दिन खरीद रहे हैं, ओके। ये हमारा पहला काम होता है कि किस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी पार्टी से माल खरीदेंगे, इसके बारे में पहले बात बता चुका हूँ कि आप परचेस कैसे कर सकते हैं जीएसटी में, ठीक है। और जो दूसरा काम होता है, दूसरा काम यही है कि जो हमने माल खरीदा था उसको लग गई है आग, मतलब कि उस पर फायर हो गया है किसी कारणवश, तो वो जो गुड्स था जो हमने पार्टी से खरीदा था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, एक भी रुपए का वो बचा नहीं है, सारा का सारा नष्ट हो गया है, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। तो देखिए, आप डेट चेंज कर लीजिएगा या ना डेट उसी दिन के कर रहने देना, जिस दिन जली है उस दिन के रखना है बस आपको। और यहाँ पर आपको डेबिट करना है गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है, इसको आपको अंडर रखना है लॉस बाय फायर। ये लॉस बाय फायर मैंने खुद बनाया है, इसको देखिए कहाँ पर रखा है मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है आपको, ओके। और इधर से बाहर निकलना है आपको, बाहर निकलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीएसटी मैंने अप्लीकेबल किया हुआ है, और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डील को नो किया हुआ है, ओके। और यहाँ से हमने गुड्स लेके सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको गुड्स बाय लॉस में वो वैल्यू डालनी है जो आपकी गुड्स जो आपकी परचेस करते वक्त गुड्स की वैल्यू थी प्लस जीएसटी का अमाउंट, ओके, 23,600 रुपया। और यहाँ पे परचेस आपने बेसिकली पूमा फुटबॉल्स की थी 400 और 50 रुपए पर पीसेस पड़ी थी, जो भी टोटल अमाउंट पड़ता है 20,000 का, ठीक है। और उस पर जो हमारा इनपुट जीएसटी लगा हुआ था, याद होगा आपको कि परचेस करते वक्त हमारा जो जीएसटी लगा था इनपुट वो डेबिट था, और जब हम इसको जनरल कर रहे हैं तो ये अब हो गया है क्रेडिट। तो इसका मतलब होता है कि जो आपको इनपुट मिलना चाहिए था अब वो इनपुट नहीं मिलेगा, अब वो रिवर्स हो गया है, मतलब कि आपने इनपुट ले लिया है, एक महीने बाद भी आपका ये गुड जलता है तो आपको ये इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा, आपको ये रिवर्सल करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने लॉस बाय फायर वाले गुड्स में, ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है, इंश्योरेंस जो हमारा फोकस रहेगा इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर रहेगा, ओके। और यहाँ से आप अमाउंट भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जीएसटी और सेंट्रल टैक्स का अमाउंट जीरो हो चुका है, क्योंकि परचेस करते वक्त ये डेबिट था, अब हमने इसको क्रेडिट कर दिया तो ये जीरो हो गया उसी अमाउंट से। और यहाँ पर आपको बकायदा निरसन फुल देके चलनी है, ताकि आप निरसन ना समझ पाए, एंट्री ना समझ पाए, तो आप निरसन बहुत अच्छी तरीके से समझ सके कि हुआ क्या है एक्चुअली में, ठीक है। दूसरा काम आपको ये है कि आपको एंट्री करनी है लॉस बाय फायर की, ठीक है। और तीसरा काम है कि जो आपने इंश्योरेंस करवाया कंपनी से
उस पर डिपेंड करता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से उस गुड्स का पूरा पैसा मिला है या आधा पैसा मिला है, पार्सल ही मिला है। अगर आपको पूरा पैसा मिलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस दिन आपको, मतलब कि हम तो ये ड्यू की एंट्री बता रहे हैं कि हम इंश्योरेंस कंपनी को जब क्लेम करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, ओके, तो ये उस वक्त की एंट्री है, 1 मई को कर रहे हैं हम इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। ये वो एंट्री है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पार्सली पेमेंट कर रही है, मतलब कि आधा पेमेंट कर रही है, आधे से ज्यादा या कुछ भी परसेंट मान लीजिए, मगर आपको पूरा पैसा नहीं मिल रहा, जो 23,600 था वो आपको पूरा पैसा ना देके 15,000 दे रही है, ओके। अगर आपको कंपनी पार्सली पेमेंट करती है तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है, और अगर आपको फुली अमाउंट पे करती है, फुली अमाउंट करती है, तो यहाँ पर आपको 23,600 लिखना है, तो 23,600 लिख के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधी एंट्री होगी क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर, ओके, सिंपल ये एंट्री ये होगी अगर वो फुल पेमेंट करता है ना, अदरवाइज अगर वो पार्सली पेमेंट करता है, आधी पेमेंट करता है, तो आपको ऐसे करना है, ये डिपेंड है ना इसी तरीके से। और ये अगर परसेंटेज का कोई लफड़ा पड़ता है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने गुड्स का कितना परसेंट पेमेंट कर रही है, ओके, एज ए एग्जाम्पल ही है, ठीक है, ताकि आप पूरी तरीके से समझ सकें कि किस तरीके से क्या कंडीशन लगती है, ओके। और ये आपको इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट करना है, ठीक है, क्योंकि डेबिट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो पूरा गुड्स तो लॉस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जब अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं करेंगे तो हमारा जो 8,600 जो गुड्स अमाउंट है ये हमारा पेंडिंग पड़ा रहेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में, ठीक है, और बैलेंस शीट में। अगर हम इसको इधर पे डेबिट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, मतलब कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जीरो हो चुका है, ठीक है। और गुड्स लॉस बाय फायर को यहाँ पर आपको करना है क्रेडिट, याद होगा इससे पहले वाली एंट्री में जब हमने लॉस बाय फायर की एंट्री की थी तो वहां पर आपको डेबिट किया था गुड्स बाय लॉस बाय फायर को, ठीक है, वो भी 23,600 से अमाउंट से, और यहाँ पर हमने कर दिया क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि लॉस बाय वैल्यू का जो अमाउंट है वो अब हो गया जीरो, ठीक है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट अपने आपस में मिल चुके हैं। और यहाँ पर आपको मैं पहले ही बताते जा रहा हूँ कि आपको नेशन कंपलसरी है डालना इन केसों में, क्योंकि इन केसों में बहुत पंगा फंसता है कि इंश्योरेंस की आपकी जो फायर लगी है किस दिन लगी है, किस टाइम लगी है, वो सब कुछ पूछता है, तो आपको नेशन जरूर दे के रखनी है, ठीक है, और आपको सिंपली सेव करनी है। और जो आखिरी जो काम है आपका, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी से आपके पास पैसा आएगा, कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को हमने वहाँ पे किया था डेबिट। यहाँ पर जब हमारे पास पैसा आएगा तो जो हमारे पास आएगा बिजनेस में उसको हम करते हैं हमेशा डेबिट, चाहे कैसा है चाहे चेक आए, ठीक है, और जिससे आता है उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी को हमने किया 15,000 से क्रेडिट, ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी भी अब जीरो हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा बैंक है, ठीक है, ये भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को देखें तो हमने इसको एसेट्स के अंदर रखा है, करंट एसेट्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने किसी भी गुड्स का अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हो तो कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में जाएं तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं ना हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ना लॉस बाय वैल्यू, लॉस बाय गुड्स लॉस बाय फायर का कोई वैल्यू बचा है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे देती है तो पूरा खत्म, ठीक है। और अगर आधा देती है, अगर आपने आधे गुड्स का किया हुआ है तो गुड्स का लॉस तो पूरा का गुड्स, जो हमारे पास पूरा गुड्स था, जो टोटल वैल्यू थी 23,600 की, वो तो पूरा नष्ट हुआ होगा ना, डिस्ट्रॉय, तो इसलिए हमने यहाँ पर गुड्स बाय लॉस के कोई भी अमाउंट यहाँ पर रखा ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उससे हमें कोई सा पैसा आएगा ही नहीं, इसलिए हमने उसको यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से हटा दिया है। और यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि 23,600 इंडिकेटर्स है, और जो इंश्योरेंस कंपनी पे हमारे पास पैसा आया 15,000 आया, और जो हमने ट्रांसफर किया ये देख सकते हैं, यहाँ से हमने ट्रांसफर किया 8,600 रुपये, हाँ। तो इस तरीके से आपको अपने टैली में इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम की एंट्री होती है वो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्या कमी लगी, ठीक है। और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर ये शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।